महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा और अब महाराष्ट्र पर कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो फैसले से पहले तेज हुई बयानबाजी, अजीत पवार को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। हम अजीत पवार को मना लेंगे, जयंत पाटिल एनसीपी नेता की तरफ से ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। 162 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी गई है, जयंत पाटिल ने ये बात कही है और कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि अजीत पवार को भी मना लिया जाएगा। तो बता दें कि लगातार एनसीपी के बड़े नेताओं की तरफ से कोशिशें जारी है अजीत पवार को, हालांकि अजीत पवार अकेले जरूर पड़ गए लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में अब जयंत पाटिल ने यह दावा ठोका है कि उनको मना लिया जाएगा, वो वापस आएंगे और 162 विधायकों की जो चिट्ठी है वो राज्यपाल को सौंपी गई है। तो महाराष्ट्र पर कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट बना हुआ है, माना जाता है कि स्थिति साफ होगी लेकिन अभी भी जारी है।